ऑब्वियसली दीप को भी फील होता ही है कि वो आरोही के माँ बाप हैं और वो सही टाइम पे आ जाता है और उनको बचा लेता है, वरना ये लोग उस उन्हें मारने वाले होते हैं। और आरोही तो दीप को गलत ही समझती है। सो अभी फाइट सीक्वेंस था, मज़ा आया बहुत टाइम के बाद। तो आई जस्ट होप कि आरोही कभी ना कभी इस बात को समझे कि दीप एक्चुअल में कैसा है, बिकॉज उसे समझना मुश्किल है। नहीं, वैसे तो आरोही के मन में विराट और तारा गलत फहमियाँ भर रहे हैं कि आप ही इन सब के पीछे है। देखो, उनका तो काम ही है ये सब करना, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। जिस तरीके से सिचुएशंस हैं, उसे बार बार यही लगता है कि दीप ही वो राक्षस है, हमेशा कहती रहती है, जो यू नो जिसने उसकी ज़िंदगी ख़राब की। लेकिन कभी ना कभी वो वक्त आएगा कि उसे सच्चाई पता चलेगी कि एक्चुअली ये सब हो क्यों रहा है। जो सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता। तो आपका मोटो एक्चुअली पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा इस बार? यू नेवर नो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आगे स्टोरी कहाँ प्रोसीड करेगी ये मुझे नहीं पता। एज ऑफ नाउ दीप ने उसके माँ बाप को बचाया, हो सकता है कि उसका कोई पर्सनल मोटिव हो उसे बचाने के लिए, उसकी माँ भी उसके कैद में है, तो हो सकता है कि उसके लिए उसने यू नो आरोही के पेरेंट्स को बचाया। आपने यहाँ बचा तो लिया, लेकिन इसके बाद क्या आप खुद कुछ प्लानिंग करने वाले हैं या सेफली ले जा करके उनके माँ बाप को आरोही से मिला देंगे? आई थिंक द होल शो वर्क्स ऑन अ प्लान, एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्लान्स, एंड खास बात यह है कि सबको लगता है कि उनका प्लान बेस्ट है, लेकिन पता चलेगा कहानी में कि कौन एक्चुअली यू नो मास्टरमाइंड है और किसका प्लान एक्चुअली काम कर गया। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे एक्शन सीक्वेंस, सबको मारे जा रहे हैं, वो कितने एक्चुअल में भी गिर गए, कैसा था आपका एक्शन सीक्वेंस? एक्शन सीक्वेंस हमेशा मज़ेदार ही होता है, बिकॉज यूजली टीवी में बहुत कम होते हैं एक्शन सीक्वेंसेस, इतने नहीं होते, बट ये शो ऐसा है, इट्स अ थ्रिलर शो, सो इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस आते रहते हैं ऐसे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम के बाद आया है जो गुंडों के साथ होता है एक्चुअली, मतलब घर में विराट के साथ तो आए दिन हम लड़ते रहते, बट गुंडों के साथ काफ़ी टाइम बाद आया, तो बहुत मज़ा आया। और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसी ऐसी फाइट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान हो रही है कि लगेगा वाह यार, टीवी पे वाकई में कुछ कमाल की फाइट देखने को मिली। कैमरा पीछे देख गुस्से में, चल राइट या अरे भाई ए भाई चल राइट टेक ए अभी पीछे अभी कैसा हो रहा है मालूम है? रोलिंग एंड एक्शन, देख गुस्से में इसको देख और चल दे राजा का ना super very nice correct sir sir timing iska rolling and action padao dekh gusse mein usko dekh nice kaka kaka ka beta aaj usse kaam kar le yaar andar position mein ki baat ye ra block maar gaya अरे वो तो
प्रमोद भाई इसका देखो क्या हुआ थोड़ा लेफ्ट आइए वाइड में होता है रोलिंग अर्जुन सेंटीमीटर में राइट जा थोड़ा रोलिंग ये तू कॉम्पैक्ट कर रहा है यार मैं एक्शन धीरज मुंडीला बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका तुमने हमारी जान बचाई मगर तुम हो कौन क्यों बचाए हमें आप लोग मेरे साथ चलिए आप लोगों को दुश्मन की नजरों से किसी सुरक्षित जगह लेके जाए गाड़ी उसमें अब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता अरुण क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मारे क्लियर करते हैं लेकिन अब से ये लोग की जिंदगी मेरे मुट्ठी में और अब से तुम वही करोगी जैसा मैं कहूँगा अब कोई मेरे साथ खेल नहीं खेल सकता